मिस उज़ुमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और सेहतमंद होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सी 3D आर्ट, जो कि हमारी वॉल को एक अलग ही डेफिनेशन देगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ कैनवस के ऊपर स्केच बना के। यहाँ पे मैं पेंसिल से एक ट्री का स्केच बनाऊंगी और यहाँ पे मैंने हेक्सागन शेप का कैनवस लिया है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा इस तरीके की पेंटिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं बस ट्री की ब्रांचेस बनाए जा रही हूँ टेढ़ी मेढ़ी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ POP पाउडर और इसका मैं बनाऊँगी पेस्ट, और ये हमारा 3D पेंटिंग बनाने में यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे चाहिए उतना एक डिस्पोजेबल कप में ले लिया है और पानी से इसको मिक्स करके इसका हम बनाएंगे पेस्ट। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहेगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाइपिंग बैग और उसके अंदर मैं इस पेस्ट को डाल दूँगी और इससे हम अपनी जो भी हमें डिज़ाइन बनानी है बहुत ईजिली बन जाएगी। अब पाइपिंग बैग बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसको जो मैंने कैनवस के ऊपर ट्री बनाया था उसकी आउटलाइनिंग और उसके बॉर्डर्स बनाते जाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने डिज़ाइन बनाई है पेंसिल से उसके ऊपर हम आउटलाइनिंग करते जाएंगे। सेम तरीके से मैं अब दो कैनवस रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले कैनवस पे मैं कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक पेंट, और एक मैं ब्लैक रखने वाली हूँ और एक कैनवस को रखने वाली हूँ वाइट। तो पहले कैनवस को पूरी तरह से कलर कर देने के बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने सेकंड कैनवस पे कलर करना। यहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से इसको कवर करूँगी। कैनवस वाइट है पर वाइट हमें पेंट करना ज़रूरी है ताकि वो सब कुछ इवन लगे। पेंट्स ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये एक स्पेशल सी ग्लू का, इसको लीफिंग ग्लू कहते हैं और ये यूज़ होती है ज़्यादातर 3D पेंटिंग में और एम्बोस पेंटिंग में। तो बेसिकली करना क्या है, इस ग्लू को मैं अपने जो भी 3D पार्ट है मेरी पेंटिंग का उसके ऊपर लगा दूँगी और इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही ये ग्लू ट्रांसपेरेंट होगी ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी और इसके ऊपर हम फिर अपनी फॉइल, जो गोल्डन फॉइल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, वो हम आसानी से चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे पूरी डिज़ाइन के ऊपर गोल्डन फॉइल पेस्ट कर दूँगी।
तो पहले कैनवस पे मैंने यहाँ पे गोल्डन फॉइल यूज करी है, पर सेकंड में मैं यहाँ पे गोल्ड मेटालिक कलर यूज कर रही हूँ, पेंट यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस मुझे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा ज़्यादा मैसी लगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो गोल्डन पेंट भी यूज़ करके देखते हैं, देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा, दोनों सिमिलर ही लग रही हैं। तो दिस इज द फाइनल लुक। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि हर हफ्ते मैं इसी तरीके की मजेदार आर्ट रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।